हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त लोक प्रताप और आप सभी का स्वागत वेलकम वणक्कम ऑन माय चैनल लोक प्रताप एक मुसाफिर। और हां, पता है काफ़ी दिनों बाद आया हूं, मुझे नया लुक है तो बताना ज़रूर कि लुक कैसा लग रहा है। अगर बेकार लग रहा है तो कमेंट कर देना, हटा देंगे। अपने घर की खेती है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक मॉडिफाइड बाइक जिसका काफ़ी दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। मेरे ही फ्रेंड की एक बाइक है, लगभग तीन चार महीने हो गए हैं शायद उसको दिए हुए, तो काफ़ी मॉडिफाइड होके आई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए इस पर, और अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। थोड़ा बिजी था, फैमिली रीजन थे, काफ़ी सारे रीजन होते हैं तो उसके लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए आपसे हो दिल दीवाने तो मैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं हमारे दोस्त के पास जिसकी बाइक दिखाने के लिए मैं आपको आने वाला था। तो चलिए उनसे मिलते हैं और आपको मिलाते हैं उनकी बाइक से। काफ़ी शानदार है, लुकिंग में फीचर्स काफ़ी अच्छे डाले गए हैं उनसे। तो चलिए मिलाते हैं उनसे और आपको बताते हैं कितना खर्चा लगा, कितना टाइम लगा, बाकी सबके बारे में। और ये मेरा दोस्त, इसकी हाइट कुछ ज़्यादा है। तो ये है मेरा दोस्त, ठीक है। अरे यार, इसके लिए हाथ बहुत दूर करना पड़ता है सुबह। ये देखिए, ये इस टाइम बैठा हुआ है और मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरी हाइट 5'11" है इसकी, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो बताइए कितना टाइम लगा इसको बनने में? सबसे पहले इसको बनने में लगा तीन महीना पूरा। 3 महीने लगे इसको बनाने में। और कितना खर्चा आया इसपे? 85,000 का इस पर खर्चा आया। गाड़ी का पूरा चेंज किया गया है, इसकी रिम से लेके सीट से लेके और साइलेंसर, इंडिकेटर, मीटर सब कुछ चेंज किया गया है, लाइट चेंज की गई है, सब कुछ चेंज किया गया है। तो ये खर्चा आपको ज़्यादा नहीं लगा? देखिए, खर्चा मायने नहीं रखता है, शौक बड़ी चीज़ है। गाड़ी देखिए आप कितनी शानदार बनी है, उसके बाद आप कहेंगे नहीं कि ये बुलेट गाड़ी है। उसको पेंट दूसरा किया गया है, उसके टायर चेंज किए गए हैं, उसके रिम चेंज किया गया है, ऑल ओवर पूरी गाड़ी में मेकओवर किया गया, उसको पूरी तरह चेंज किया गया। तो चलिए और फिर आपको लेके चलते हैं एक छोटी सी राइड पे। चलिए अब आपको दिखाते हैं गाड़ी की खासियतें। ये देखिए इसकी लाइट जो पूरी तरह चेंज की गई है, गाड़ी दिल्ली नंबर से है। और ये देखिए आगे का मरघट बिल्कुल चेंज किया गया है, नया टायर डाला गया है आगे का टायर, और इसके ग्रिप काफ़ी अच्छी है नए टायर के साथ, तो कहीं भी स्लिप होने वगैरह का किसी का डर नहीं रहता है। सबसे ख़ास बात इसकी ये देखिए, क्लच पे इसके ब्रास का क्लच लगाया गया है जिसपे वर्क देखिए कितना अच्छा किया गया है, जो कि स्पेशल लुक देता है और रॉयल लुक देता है इसको। इसी तरह इसके डिस्क ब्रेक पे, आगे वाले ब्रेक पर भी यही काम किया गया है सेम। और नीचे देखिए इंजन पे भी कैप्स पर अलग अलग डिज़ाइन बनाई गई है इसी ब्रास मेटल पे, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देती है गाड़ी को। और ये देखिए इसमें साइलेंसर पे हीट वार्प किया गया है जिससे इसकी आवाज़ में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और गाड़ी गर्म भी नहीं होती जल्दी से। और ये देखिए पीछे से इसका लुक, पीछे का भी मरघट चेंज गया है, टायर नया चेंज किया गया है, रिम नई लगाई गई है। ये देखिए ये इसकी बैक लाइट है और नंबर प्लेट को साइड से ट्विस्ट करके लगाया गया है, जो कि काफ़ी डैशिंग लुक दे रही है। ये देखिए इसका सीट चेंज की गई है, टंकी पे कलर अलग किया गया है, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप में कलर किया गया है। और ये देखिए इंजन पर पूरा ब्लैक कलर किया गया है इसको। चलिए अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल वैसे स्टार्ट होती है जैसे इस फोर व्हीलर को स्टार्ट करते हैं। और ये लाइट का स्विच है, इसमें कुछ भी हैंडल पे स्विच नहीं दिया गया है कोई भी। और ये देखिए इसमें सेंट्रल लॉकिंग भी लगाई गई है, तो आप रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अच्छा, ऑन नहीं किया था, अब देखिए सेंट्रल लॉक से भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप चाबी को ऑन करके रिमोट को जेब में रख सकते हैं, और इसके लिए आपको नीचे बार बार नहीं
घुमानी पड़ेगी चाबी को, आप रिमोट से स्टार्ट कर सकते हैं की। ये लाइट का स्विच है, इससे लाइट ऑन ऑफ होती है। एक्चुअली हैंडल को खाली रखने के लिए सारी चीज़ें इधर डाली गई है। ये देखिए सीट बिल्कुल अलग है, टायर की ग्रिप काफ़ी अच्छी डाली गई है इसमें, और इसके पीछे भी एक सीट लगाई जा सकती है। ये देखिए कलर देखिए आप गाड़ी का कितना मैचिंग किया गया पूरी गाड़ी के साथ। और ये इसका मीटर जो कि नए लगाया गया है बिल्कुल। और हैंडल पे ये देखिए एक अलग से रॉड डाली गई है और हैंडल को ऊंचा उठाया गया हल्का सा। हाँ जी, ये देखिए अब सेंट्रल लॉकिंग का फ़ायदा, अगर कोई भी अनवांटेड पर्सन इसको टच करता है तो या छेड़खानी करता है तो इसका अलार्म बजने लगेगा इस तरह से। और दूसरा फ़ायदा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिमोट से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, देखिए तो इस तरह से आप रिमोट से भी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ फ़ायदे हैं सेंट्रल लॉकिंग के, तो गाड़ी में करवा लेने चाहिए ताकि हमारी गाड़ी चोरी से बचे रहे और हमको फैसिलिटी भी ज़्यादा मिल सके। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है ये गाड़ी को इस तरह से स्टार्ट करना फोर व्हीलर की तरह।